हेलो फ्रेंड्स, वेलकम टू ऑल। आज मैं आपके लिए जो वीडियो लेके आ रहा हूँ, देखिए यहाँ पे सेबी ने बहुत ही जबरदस्त एक कड़ा फैसला यहाँ पे लिया है। मैं कहूँगा अभी भी कह रहे हैं लालच में मत आना। देखिए सरकार अपनी पूरी तैयारी में है, सेबी यानी कि सिक्योरिटी एक्सचेंज बोर्ड ऑफ इंडिया भी आज अपनी तैयारी में आपके सामने आया है। अब आप कहोगे यार ये शॉर्ट सेलिंग क्या होती है। देखिए शॉर्ट सेलिंग मतलब कि आपको पता है मार्केट गिरने वाली है, आपने अभी बेच के रख दिया, माल नीचे गिरेगा तो खरीद लेंगे। ऐसा बहुत लोग करते हैं और हम भी करते हैं और पैसा छापते थे। लेकिन यहाँ पे बहुत ही बड़ी मतलब सेबी को पता है कि जब अब मंडे ट्यूसडे या फिर आने वाले वीक्स में जैसे ही लॉकडाउन होगा मार्केट बिल्कुल धराशाही हो जाएगी, तो शॉर्ट सेलिंग बहुत लोग करेंगे और बड़े बड़े लोग, बड़े बड़े पैसे वाले लोग तो खूब शॉर्ट सेलिंग करते हैं। तो इस चीज को रोकने के लिए इसको टफ बना दिया है सेबी ने। जरा देखते हैं इसके ऊपर, फोकस करते हैं इस पर्टिकुलर न्यूज के ऊपर। ये देखिए आप, आज की अभी ये लेटेस्ट न्यूज आई है और शॉर्ट सेलिंग के ऊपर ये न्यूज आई है सेबी की तरफ से। बड़ी खबर मैं कहूंगा इसको सेबी की तरफ से, और इसकी उम्मीद लगाई जा रही थी। और मैंने पहले भी आपको बताया था कि इसकी पूरी की पूरी उम्मीद लगाई जा रही थी कि जैसे ही आसार लगेंगे इंडिया के अंदर लॉकडाउन पे, सरकार ये फैसला ले सकती है, सेबी ये फैसला ले सकती है और सेबी क्रैक डाउन ऑन मार्केट वॉलेटिलिटी। जो मार्केट वॉलेटिलिटी है कभी ऊपर कभी नीचे, उसको यहाँ पे शॉर्ट सेलिंग को टफ बना दिया गया है सेबी की तरफ से। चलिए मार्च 23 को जब आप ट्रेडिंग करोगे, मार्च 23 यानी कि मंडे को, तब आपके लिए असर सीधे सीधे देखने को मिलेगा। बड़ा डिसीजन यहां पे सेबी की तरफ से, मैं कहूंगा कड़ा फैसला जरूर है। लेकिन जरा सोचें सेबी तक इतने बड़े डिसीजन ले रहा है, इसका मतलब क्या है? यही तो मैं आपको बार बार बता रहा हूँ। लोग कह रहे हैं हमने ये शेयर खरीद लिया, वो शेयर खरीद लिया, सेबी इतना बड़ा डिसीजन यहाँ पे वॉलेटिलिटी को रोकने के लिए ले रहा है। मतलब कि सबको पता है गिरावट आ रही है, उसको किस तरीके से रोका जाए, ये वॉलेटिलिटी को किस तरीके से रोका जाए, उन सारी चीज़ों के लिए यहाँ पे ये डिसीजन लिए जा रहे हैं। ये सिक्योरिटी एक्सचेंज बोर्ड ऑफ इंडिया का भी मार्च 20 यानी कि आज की डेट का ये शॉर्ट सेलिंग जो है स्टॉक्स में डिफिकल्ट हो जाएगा इन ऑर्डर टू काउंट द मार्केट वॉलेटिलिटी कॉज्ड बाय द दिस वायरस अटैक, मैं कहूंगा। अब ओवरऑल अगर आप देखो यहां पे इंडिया के नंबर्स, अगर मैं फिर से कहूंगा इंडिया के नंबर्स अगर आप देखो तो बहुत ही तेजी से इंडिया के नंबर्स बढ़ते हुए मुझे दिख रहे हैं। और निफ्टी का आज की डेट में आपने देखा कि किस तरीके से एक पॉजिटिविटी जरूर आई थी, कभी नीचे कभी ऊपर वॉलेटिलिटी है। ओवरऑल नंबर्स आप देखिए बहुत ही चौंकाने वाले नंबर्स है और बहुत तेजी से ये नंबर बढ़ रहे हैं। चलो देखते हैं इंडिया के नंबर, पहले ऊपर पाकिस्तान आ जाता है तो पाकिस्तान के नंबर्स भी देख लेते हैं। और आज की डेट में अगर मैं पाकिस्तान के नंबर देखूं तो 461 पे पहुंच चुका है, 3 डेथ हो चुकी है पाकिस्तान में। इंडिया में 223 के आसपास है, 29 नए केसेस हैं, 5 टोटल डेथ हो चुकी है। और सेबी का ये फैसला किस तरफ लेके जाएगा मार्केट को, लेकिन सिग्नल आप फिर से समझिए, सिग्नल यही है कि भाई मार्केट में बड़ी गिरावट के आसार देखने को मिल रहे हैं, जिसको देखते हुए यहाँ पे सेबी ने ये काम किया। अ पार्ट ऑफ द मेजर सेबी ने क्या प्रपोज किया है, मार्जिन रेज किया जाएगा नॉन एफेंडो स्टॉक को 40% के आसपास इन अ फेज्ड मैनर, और द प्रपोज मार्जिन वुड ओनली बी अप्लाइड इन द कैश मार्केट। इसको सोचे जरा, जो मार्जिन आपको मिलता था कैश मार्केट, एंड मे बी एप्लीकेबल फॉर अ पीरियड ऑफ 1 month। इसको देखे जरा, द मार्केट वाइड पोजिशन लिमिट ऑन एफेंडो स्टॉक पे मार्केट वाइड पोजिशन लिमिट भी लग जाएगी, मे बी कट टू 50%। जरा देखे ये सारी चीजें इसीलिए ताकि बड़े ऑर्डर जो सेल ऑर्डर पड़ने वाले हैं उनको रोका जा सकता है यहाँ पे। द रेगुलेटर ऑल्सो सेट दैट डायनेमिक प्राइस बैंड फॉर एफेंडो स्टॉक्स मे बी फिक्स्ड ओनली आफ्टर अ कूलिंग ऑफ पीरियड ऑफ 15 मिनट। मतलब डायनेमिक प्राइस बैंड्स भी यहाँ पे आगे आ रहा है, जो आप देखते हो प्राइस बैंड्स मतलब लोअर सर्किट अपर सर्किट कुछ भी हो सकता है, यहाँ पे काफ़ी कुछ यहाँ होने वाला है मंडे से। तो ये सेबी की तरफ से इन्फॉर्मेशन है। फिलहाल वाइंड अप करता हूँ वीडियो को। बड़ा फैसला मैं इसको कहूँगा जिसकी उम्मीद थी, इसकी उम्मीद हम पहले से लगा रहे थे। आप देख सकते हो कि शॉर्ट सेलिंग को हम तो सोच रहे थे कहीं बैन ही न कर दे यहाँ पे, लेकिन यहाँ पे कुछ जो है टफनेस दिखाई है सेबी ने अपनी तरफ से। वाइंड अप करता हूँ वीडियो को, वीडियो को शेयर जरूर कीजिए, लाइक कीजिए, चैनल सब्सक्राइब नहीं करता जल्दी से सब्सक्राइब कर लें। आपकी अपनी राय सेबी के इस डिसीजन के ऊपर कमेंट के थ्रू जरूर बताएं। थैंक यू फॉर वॉचिंग द वीडियो।